नमस्कार दोस्तों, एबीपी टेक में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़रीन वीपीएन ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ इधर से इस ऐप को यहाँ से ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे और इस ऐप का रिव्यू देखेंगे। काफ़ी अच्छा है, जो कि एक नया ऐप है और उसकी डाउनलोडिंग वो 10,000 प्लस देखने को मिल जाएगी, जो कि इसकी डाउनलोडिंग काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को ऐसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी कुछ इधर से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इधर से ऐसे आपके सामने इधर ओपन होने लगेगा। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इधर अपना जो भी इंटरफेस रहेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से ऐसे हम थोड़े वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो यहाँ पर आपको सामने कुछ इधर से देखने को मिल जाएगा और उसी तरह से ऊपर की साइड एक सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसे हमारे सामने हमारी जो भी मोबाइल की प्राइवेसी रेटिंग या शेयरिंग पॉलिसी वगैरह इधर देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे सामने कुछ इधर से यहाँ से हमारे जो भी ऑप्शन रहेंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ पर अपने जो भी बैक वाला ऑप्शन है तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो भी ऑप्शन है, यहाँ पर हम बैक आने के लिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कनेक्ट कर लेना है। उसी तरह से मैं ये वाला सर्वर कनेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ओके पे क्लिक करूंगा तो ऐसे हमारे सामने कुछ इधर से ऐसे हमारा जो भी कनेक्टिंग का ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो भी सर्वर रहेगा कुछ इधर में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों ऐसे हमारी जो भी स्पीड रहेगी वो भी यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उसी तरह से ऐसे आपको थोड़ी देर वेट करनी है। वेट करने के बाद दोस्तों ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इधर से ऐसे आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो ऐसे आपके सामने ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करने होंगे तो ऐसे हमारे जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्टिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐसे कनेक्टिंग हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी इधर टाइमिंग भी आप रखना चाहते हो, जो कि ऐसे आप कितना टाइमिंग तक इसे चलाना चाहते हो। तो यहाँ पर अपनी जो भी टाइमिंग रहेगी यहाँ पर आपके सामने कुछ इधर से वेट का आ रहा था, उसी तरह से ऐसे आपका जो भी टाइमिंग है यहाँ पर आप टाइमिंग रख सकते हो। उसी तरह से मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों इसे आप कुछ इधर से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसे डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ इधर से यहाँ से डिसकनेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो कि ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से डिसकनेक्ट भी हो जाएगा। उसी तरह से ऐड आने के बाद दोस्तों ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से डिसकनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।